जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म की बातें पर। आज हम उन हनुमान जी की वंदना करेंगे जो कि कलयुग में साक्षात जीवित देवता हैं, अमर देवता हैं और हम हमारे सारे संकटों को हरने वाले देवता हैं। वह हनुमान जी जो कि बल बुद्धि विद्या प्रदान करने वाले हैं इस कलयुग में, उनके समान उपकारी देवता इस कलयुग में कोई भी नहीं हो सकता, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो सकता। ऐसे हनुमान जी की वंदना आज हम रामचरितमानस की एक दिव्य चौपाई के माध्यम से करेंगे। उस चौपाई को आप भी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री बजरंग बली के सामने बैठकर जरूर सुनिए और उस चौपाई के द्वारा बोलिए कि हे प्रभु, आप तो गुणों की खान हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बल बुद्धि विद्या के भंडार हैं और हमें भी आप थोड़ी सी आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए और हमें भी अनुग्रहित करिए। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सुनते हैं रामचरितमानस की वह चौपाई। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। रामचरितमानस की वह चौपाई है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र, आप बल में पवन के समान हो, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, आप हम पर कृपा करिए। वह यह रामचरितमानस की चौपाई उस समय की है जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने लंका जाते हैं और उनको अपनी शक्ति याद नहीं रहती है। तब रीचपति जामवंत उनसे कहते हैं, कह रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप ये चौपाई बोलकर हनुमान जी से आशीर्वाद जरूर लीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।